एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोजिले की खबरें। दमोजिले के सिगरमपुर चौकी क्षेत्र के तहत आने वाले भैंसाघाट इलाके में एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया और उसके नीचे इस ट्रैक्टर में सवार पिता पुत्र आ गए। हादसे की सूचना पर सिगरमपुर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों का रेस्क्यू किया। चौकी प्रभारी आलोक त्रिपुड़े के मुताबिक मृतक पिता पुत्र कटनी जिले के सलीमलाबाद के रहने वाले हैं और एक रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस हादसे में पिता पुत्र की जान चली गई तो वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं घटना के संबंध में सिगरमपुर चौकी प्रभारी आलोक त्रिपुड़े ने जानकारी दी। एशियन न्यूज़ के लिए निवेश जैन की रिपोर्ट। सूचना प्राप्त हुई कि एक ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है सिद्ध बाबा मंदिर के पास भैंसाघाट रोड पर। जो मौके पर पहुंचकर सूचना की तस्दीक की गई, जो दो व्यक्ति मृत अवस्था में मिले, जो जिनके बारे में जानकारी प्राप्त की गई, जो जानकारी प्राप्त हुई कि ये व्यक्ति आपस में पिता पुत्र है, जो पिता ब्रजेश कुशवाहा और पुत्र प्रशांत कुशवाहा है, जो सलीमनाबाद कटनी के रहने वाले हैं, जो ट्रैक्टर से अपने रिश्तेदारी में ग्राम पघा तेंदुखेड़ा जा रहे थे, जो सिद्ध बाबा मंदिर के ऊपर जो है इनका ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया, जिससे घटनास्थल पर इनकी दोनों की मृत्यु हो गई। जो दोनों के शव को सुरक्षित CSC जबेरा में रखवाया गया, जिनका पोस्टमार्टम एवं शव पंचनामा कार्रवाई की जाती है।